ये लें जी गाइस, वेलकम करते हैं आपका एक और वीडियो में। और मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सेंटर में बैठा हुआ ना, ये पता नहीं किसी, ये जो बैठा हुआ ना, ये दस लेफ्ट साइड पे मेरे आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ये किसी का कबूतर आगे बैठा हुआ है जी। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, तो देखते हैं ज़रा किसका है किसका नहीं। तो अगर पकड़ा जाएगा तो पकड़ेंगे, तो मैं ऊपर जाता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस मैं आ रहा हूँ ऊपर, ये चेक करें। और मेरी एक मादी लास्ट ईयर ज़ाया हुई थी जीरी, और सेम वैसी ये लग रही है मुझे। अब देखते हैं ये वही है या कोई और है। ये देखें, मैंने दाना डाला और ये आगे को झांक रही है, ये देख रहे हैं ना आप, ये पता नहीं है वही है या कोई और है। थोड़ी धूप पड़ रही है अजीब सी। ये वाले कबूतर खोलता हूँ बाहर, क्या पता कबूतरों का कबूतर आ भी जाते हैं वापस, कोई बड़ी बात नहीं है। हैं, शायद हो सकता थोड़ा। केड़े सारे खोल लेने के, ये ऊपर बैठाना है कहते। ये देखें ये आ गया वो है जी, किंदा पता नहीं हूँ जरा ये है, मैंने की पता ही रख रहे थे लोग ऊपर लग गया। चले ये अपना नहीं है जी, तो मुझे लगा शायद अपना ही कोई कबूतर वापस आया, तो इस वजह से मैं ऊपर आया हूँ। तो मेरा बेकार की है ऊपर आने की, मुझे लगा शायद अपना ही कोई कबूतर वापस आया, क्योंकि होता है ना कई बार कबूतर आ जाते हैं तो बंदा घर पे नहीं होता, और वही साहब हुआ है आज भी। बहुत सारे कबूतर आते होंगे, आगे पीछे बैठ जाते होंगे, पकड़े भी जाते होंगे, तो खैर ये लगा रहता कबूतरों के साथ। तो ये मेरे ख्याल से पता नहीं अब किसका कबूतर है। तो ये अपने कुछ चार पाँच कबूतर जो हैं इधर वाले, ये खोले हुए हैं, तो ये देख लें जी। बाकी वो वाले मैंने खोले थे, वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, वीडियो वॉच करिएगा पेयर की। और बाकी ये कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं लठे लुठे, आप समझ लें बेबी पिजन यहाँ पे। कि अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, पता क्यों, अंदर है गिल्ला सारा। एक ये बेबी पिजन निकला हुआ है, एक ये है, इसको काफ़ी ज़्यादा दाने वगैरह मौके हो गए हुए हैं, वो अंडे वो दिए हुए हैं, एक माती वो ऊपर बैठी हुई अंडे। तो खैर इधर की ब्रीडिंग यही है, बाकी वो कबूतर शायद मेरे ख्याल से साथ वालों का ही होगा, रंग भी नहीं दिख रहे सिर्फ इसके। तो ये धुंधला सा मौसम है ना, तो साथ में ऊपर से धूप पड़ रही है उस साइड से। तो ये देख लें जी, ये परिंदे वरिंदे, ये वही मादी जो मैं उस साइड से लेके आया था, और ये है बच्चा निकला हुआ, ये जिस जोड़े का बच्चा है, ये उसी काशनी जो मादी है ना, जो वहाँ पे मैं नीचे वाली छत पे लेके गया हूँ, ये उसी की नस्ल के साथ की मादी है बेसिकली, बच्चा है ये बेसिकली। तो बाकी अंदर जाने का मन नहीं है, अंदर बाद में जाएंगे देखेंगे। और मैंने सोचा था आपको एक पूरी प्रॉपर वीडियो मैं बना के दिखाऊंगा अपनी पूरी बेरी वाली नस्ल की क्या, लेकिन अभी मन नहीं है इस टाइम पर। तो किसी दिन फिर मैं आपको जो है बेरी वाली नस्ल की जो मादी की जो वीडियो है पूरी, मतलब पूरी नस्ल की वीडियो बना के दिखाऊंगा, आगे बच्चे किस तरह के निकाल रही है वो और किस तरह का उनका सिस्टम है। ये देखें जी, परिंदे वरिंदे सारे दाना खाने के लिए आ गए नीचे, वो दो बच्चे जो नए निकले हैं वो ऊपर ही हैं, और ये एक कबूतर ये आ रहा है अगे नूं यार, फिर चेक करिए जरा किहड़ा है, वही कोई होर है, ये इन्हों पाना ही ना बाहर थोड़ा जा। ये देख तो नीचे को रहा है, पता नहीं किसका है, ये देखे ना कैसे झांक रहा है अंदर को झांक रहा है। तो अब पता नहीं रब जाने, ये थोड़े गड्ढा नहीं बाहर अंदर छुट बाहर थे छुट, पता नहीं अब रब जाने है किसका। ये देखें ऊपर
नीचे आया तो पता चले ना ये है कौन सा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा एक ऐसा पट्टा जाया भी हुआ था तो ये उड़ गया जी, वो निकल गया जी, ये साथ वालों का है यार। ओहो सारा मज़ा ख़राब हो गया है, मुझे लगा एक कोई ये हो रहा है अपना ही कबूतर आया हुआ है। तो चलो कबूतर साथ वालों के बैठते रहते हैं वैसे यहाँ पे। तो ये हैं जी चार पांच परिंदे यहाँ पे, बाकी सारे कबूतर लॉफ्ट में करती हुए क्योंकि बारिश बहुत आ रही है यहाँ पे। अभी मौसम देखें ऊपर क्या, थोड़ी देर पहले आई थी बारिश हल्की हल्की, लेकिन खैर आज इतनी बारिश नहीं आई। परिंदे वरिंदे जो हैं वो थोड़े पर सर झाड़ गए हुए हैं, तो बाकी कुछ खास दिखाने के लिए भी है नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको थोड़ा मौसम जैसे चेंज होगा तो आपको ये परिंदे वरिंदे यहाँ पे जो नए पट्टे पट्टे हैं उनको उड़ा के चेक भी करेंगे फिर से दोबारा, क्योंकि पर झड़े हुए हैं इस टाइम बाहर निकालने में मतलब ही बनता, तो पर हों कबूतर के तो फिर बंदा बाहर निकालता भी है। तो कबूतर शबूतर बच्चे बुच्चे भी निकले हैं, 8-10 बच्चे निकले हुए हैं उनको भी गेड़ेंगे, और उधर भी 3 बच्चे हैं, क्या 4 थे, एक तो बेचारा मर गया वो, तो वो बच्चा मर गया भी इधर वाला बड़ा दूसरा बड़ा काना वाला ही बड़ा बीमार होया ही टुंडे वाला। तो ये हैं जी कुछ चंद परिंदे, ये अपना जग्गा डाकू लगा हुआ है, दरअसल ना उधर अंदर ना इसलिए नहीं जा रहा, पैर होते हैं गंदे, अंदर होती है बिठें गिली हुई होती हैं तो फिर वो पैरों के साथ चिपक जाती हैं तो फिर बड़ा अजीब सा ही फील होता है, तो इसलिए मैं अभी उधर अंदर नहीं जा रहा हूँ, ये है रीज़न सारा। बाकी मैं बाहर से आपको शो थोड़ा सा करा देता हूँ। ये हैं जी परिंदे कुछ अपने जो भी हैं, ठीक है वो अंदर कुछ बे पिजन्स वगैरह निकले हुए हैं, और ये वो बड़ी मादी जो उस छत पे मैं लेके गया था ले आया हूँ इधर। तो परिंदे वरिंदे ये देख रहे हैं जी, ये हैं जी ये अपनी मेरी वाली मादी, इसका पूरा ख़ानदान दिखाऊंगा आपको मैं किसी दिन वीडियो में शो कराऊंगा प्रॉपर। तो फिलहाल वो बड़ी मादी ये वाली भी मैं इधर ही ले आया हूँ, ये चेक करें यहाँ से, ये वाली जो बटेरी मादी मैं उधर लेके गया हुआ था, ये चपड़ा नर भी उधर लेके गया हुआ था, ये भी इधर ले आया हूँ मैं। ओहो कबूतर बाहर आ गया, ये बड़ा कबूतर बाहर आ गया, तो इसको अब तभी खोलते नहीं है गेट बेसिकली ना, दरवाज़ा दरवाज़ा खोलो तो पंगा बन जाता है, लेकिन खैर इसको इधर से भी अंदर कर लेंगे, कटा हुआ ही है। बाकी जंगली कबूतर भी बहुत सारे बैठते हैं ऊपर आके, और मौसम देख लें ज़रा क्या बना हुआ है, मतलब सुहावना मौसम बना हुआ है। और मैं आपको ये जाग बच्चा दिखाऊं ज़रा, जो जाग बच्चा निकला हुआ मेरे लॉफ्ट में, वो हो गया जी ऊपर रंग इसने अभी चीना चीना बना रहा है, ये ऊपर सफ़ेद दाग लेके आ रहा है ऊपर, तो नीचे उतरे फिर नज़र आएगा अच्छा कलर। तो बाकी ये यार ऐसे ही है कबूतर शबूतर, ये उतरा नीचे, ये देखे ना मेरे पैरों में आए हुए हैं, ये देखे मेरा, ये वो बच्चा जो मैं उतर नीचे वाली छत पर लेके गया था, पट्टी बनी हुई है ये, पता नहीं पट्टी निकलती है ये क्या है ये। बाकी कबूतर हो गया अंदर या ऊपर चढ़ गया, ये इधर आ गए हैं, कि बोतल इतने पे ही ना है नहीं है उड़ी ले जी, हवा बॉटल उड़ा के भी ले गई है, क्या दिखाना था आपको, वो चला गया अंदर, किधर गया ये दिखाता हूँ मैं आपको, किधर गई ये है जी, ये है ये बेरी वाली मादी ने भी बच्चा निकाला है, ये वाला बेरी वाली था ना फिर है ना, ये है तो बेरी वाली मादी अलग अलग रंग के बच्चे निकाल रही है, तो इससे जाहिर हो रहा है ये नस्ल में अपनी जो है पूरी वो है मादी है। चलो भाई अंदर, बाहर क्यों आ रहे हो, चलो घुस गए अंदर, मुझे लगा आपको चोर कमांडर या कोर कमांडर जिसको आएगा लोग बोलते हैं वो दिखाना चाहिए,
तो ये आ गया जी मेरे घर का चोर कमांडर, कोर कमांडर। काले चीने हैं यार ये, काले चीने कबूतर हुआ करते थे पहले भी। तो ये बेसिकली काले मुंह वालों का क्रॉस है इसके अंदर, और जो जिससे ये बना हुआ बेसिकली, कोई वो नहीं है चोर कमांडर तो कोर कमांडर। ये बड़ी मादी है, इधर छोड़ी हुई है तो इधर बैठी हुई है गुच्छी मार के। इसको बेसिकली रोटी के भोरे पसंद है, और इधर भाई साहब डालते हैं खाना दूसरा मोटा दाना। तो बच्चे बुच्चे जो हैं परसर झाड़ गए हुए हैं सारे। मैं वीडियो जो वाइंड अप कर रहा था लेकिन खैर बीच में मुझे रोकनी पड़ी वीडियो, तो ये चोर कमांडर ऊपर जाके बैठ गया जिसको दिखाना था। तो ये है जी वो बच्चा, टंकी वाला बच्चा जो टंकी पे उस दिन मैंने आपको शेयर किया था ना, ये वो बच्चा है जी। अभी पर पुर झाड़ दिए हैं इसने भी, तकरीबन सारे बच्चों ने पर झाड़ दिए हैं, सारे ही बच्चों ने। ये आ गए जी बच्चे बुच्चे। मौसम बड़ा रोमांटिक सा हुआ पड़ा है, और चोर कमांडर ऊपर जाके बैठ गया। तो मैंने आपको दिखाना था, कोई चोर कमांडर नहीं है भाई, ये मेरे घर की बेरियली नस्ल है जी, ठीक है सिंपल। ये इसका भाई है दूसरा, ये छोटा अभी जो निकला इसके बाद, फिर उससे पहले जो निकला हुआ है वो किधर गया है? उससे पहले जो निकला है वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो बैठा हुआ सामने, वो ऊपर सेंटर में, ठीक है। ये अलग अलग रंग के अलग अलग बच्चे निकाल रहे हैं जोड़ा है। ये वाला जो है, पर एक जोंसरा भी निकाला हुआ अभी इन्होंने, जोंसरे टाइप का। तो ये पांच छह रंग निकाल रहे हैं, ये क्या है जी कोर कमांडर जो लोग आजकल बनाए बैठे हुए हैं, चोर कमांडर जो भी कह लें। चलें वीडियो करता हूँ वाइंड अप। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और बताइएगा ज़रा आपके वहाँ का मौसम का क्या हाल है, और कबूतरबाजी कैसी चल रही है आपकी। यहाँ पे तो ठप पड़ी हुई है, केस के बाहर कबूतर नहीं निकाले जा रहे। तो चले इसी नोट के साथ मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।